अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चला ये बनाते हैं। हमारे पास चिकन हाफ के जी चिकन है, इस तरह हमने इसको डीप कट लगा लिए। सॉल्ट हाफ टी स्पून है, चाट का मसाला हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, योगर्ट 2 टेबल स्पून, आलू मटर आप थोड़े थोड़े से यूज़ कर लीजिए 1/2 कप। चले इन सबको अब मैरिनेट करते हैं। योगर्ट, चाट मसाला, सॉल्ट, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको देखें अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब इसको चिकन पे लगाते हैं। इसको आपने लगा के आधे घंटे या 1 घंटे तक आप इसको रख दें, ठीक है, मैरिनेट करके। पानी को आप अच्छी तरह बॉईल कर लें, इसके बाद आप इसके ऊपर नेट रखें। इस तरह नेट रख के ऊपर चिकन रख के आपने 15 मिनट इसको पकाना है, उसके बाद साइड चेंज करनी है। चिकन को हमने 30 मिनट तक स्टीम दिए, 15 मिनट्स के बाद हमने इसको टर्न किया था। अब चिकन रेडी हो चुका है, हमने फॉइल पे जो है होल कर लिए थे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। चिकन रेडी है, चले इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें चिकन स्टीम रेडी है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।